केंद्र सरकार के इस तरह के बेतुके बयान से तो यही साबित होता है कि कोरोना के दूसरे लहर में जितने लोगों की जान गई, लाखों लाख लोगों की जान गई, सभी ने आत्महत्या की है। कोई भी ऑक्सीजन बिना नहीं मरे हैं। क्या बात है, पप्पू यादव पागल थे जो हॉस्पिटलों में घूम घूम कर ऑक्सीजन और दवाई पहुंचा रहे थे, खाना पहुंचा रहे थे, ऑक्सीजन बांट रहे थे। यहाँ बिहार की मैं बात करूँ तो बिहार में 9,000 लगभग 600 लोग मरे हैं, सभी ने आत्महत्या किया है। तो फिर ऑक्सीजन प्लांट में पुलिस क्यों रहती थी, भीड़ क्यों लगती थी? एक एक ऑक्सीजन का जो कालाबाजारी चल रहा था 10 लीटर 12 लीटर का, 20,000 30,000 40,000 50,000 रेट में लोगों ने खरीदा है। दवाई की कालाबाजारी चल रही थी, एम्बुलेंस की कालाबाजारी चल रही थी, हर वो चीज़ जो स्वास्थ्य से रिलेटेड था, हर 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 का रेट जो है 4 गुना 5 गुना बढ़ चुका था। क्या जवाब देगी? पप्पू यादव जी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो हॉस्पिटल से लेके शमशान तक लोगों को मदद करने में लगे हुए थे, अन्यथा कोई मंत्री विधायक और कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं दिखा। और ऊपर से इस तरह का बेतुका बयान, अभी टोल फ्री नंबर आप जारी कर लीजिए और उस पर आंकड़ा ले लीजिए। आपको मैं बता दूं कि 99% लोग ऑक्सीजन के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, दवाई के अभाव में, एम्बुलेंस के अभाव में और हॉस्पिटल की बदहाली को लेकर लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। उनके परिवार वाले से जाके पूछ लीजिए ना। आज आपने जनता को बता दिया है कि आप सही में जुमलाबाज हैं, आपका बयान का कोई भी अवस्थर नहीं रहा। अब एक तो जो डबल इंजन की सरकार कहती थी, तो एक इंजन ने यह बयान दिया तो अगला इंजन ने कोई जवाब ही नहीं दिया, चुप है, क्योंकि वो जानती है कि क्या हालात थे बिहार के और क्या हालात अभी हैं। तीसरी लहर की भी यहाँ कोई तैयारी नहीं है, कहीं भी वेंटिलेटर प्रचुर मात्रा में नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, दवाई नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी सामग्रियां जो हैं वो नहीं है। और इस तरह का बयान दे के कहीं ना कहीं आपने जनता में एक आक्रोश पैदा कर दिया है। जनता भी अब जान चुकी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का चल चरित्र कैसा है।